भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन देकर अवैध खनन में ओवरलोड वाहनों किसानों की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। टांडा तहसील में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष हसीब अहमद के नेतृत्व में तहसील में धरना प्रदर्शन देकर समय से त्रिवेणी चीनी मिल मिलक नारायणपुर में किसानों के गन्ने की घाटोली और पर्ची न मिलने पर किसान परेशान है। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष साबिर अली ने उप जिलाधिकारी से दढ़ियाल में अकराबाद में कोसी नदी में जेसीबी से बड़े स्तर पर हो रहा है, आपको बता दें, अवैध खनन और रात्रि में टांडा मुरादनगर लालपुर रोड पर ओवरलोड वाहनों धड़ल्ले से गुजर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष साबिर अली का कहना है कि खनन और ओवरलोड नहीं रुका तो किसान यूनियन किसी दिन भी रात्रि धरना प्रदर्शन देकर वाहनों को रोकेगी और कोई भी किसी किसान के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए रामपुर से संवाददाता अमित चौहान की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अली है, मैं तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत का तहसील अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आपने धरना दिया है, किस मांगों पर धरना दिया है और आपने ज्ञापन दिया, उसमें क्या कहना चाहिए? अपने ज्ञापन इस मामले में दिया था कि जैसे हमारे किसानों के साथ गन्ने में त्रिवेणी घटतौली हो रही है और कुछ एक पॉइंट हमारे उसमें रह भी गया है ज्ञापन में, जो खनन का सबसे मेन जो मुद्दा है वो खनन का यह है कि खनन की 400-500 वाली रात्रि 11 बजे से और सुबह को 6:30 बजे तक यहाँ से निकलती हैं, जो कि दड़ियाल सुल्तानपुर पट्टी और बाजपुर की तरफ से जो गाड़ी आती हैं ओवरलोडिंग है, 100-100 टन की गाड़ी आती हैं और इससे दुर्घटना वो भी चक चुकी है क्योंकि एक रोडवेज में दो बाप बेटे अभी अब्बास नगर के कोई वाहन ऐसा मार गया जो भारी वाहन है और दोनों अपनी माँ के लाल खत्म हो गए, दोनों माँ बाप बेटे और कई कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये ओवर खनन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? खनन के मामले में ये कहना चाहते हैं कि अगर ये खनन नहीं रुका और ओवरलोडिंग तो फिर किसान यूनियन रात्रि धरना लगागी और इस पर अगर किसी किसान पर या किसी पर कोई हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्या आपने हमने आईडीएम साहब को भी ज्ञापन पे तो नहीं दिया गया क्योंकि नहीं ज़्यादा जगह नहीं मिली, इसमें अवगत करा दिया गया है आईडीएम साहब को अवगत मौखिक करा दिया गया है कि इसे रोको और क्योंकि इस खनन से एक तो रोड खराब हो रहा है भाई, पानी टपक रहा है, 1000 क्विंटल वजन का ट्रक आ रहा है, नीचे से पानी टपक रहा है, ये रोड इस लायक नहीं बने हैं जो इन पे 1000 क्विंटल वजन चले। भाई RTO साहब कहाँ दिखाई दे रहे हैं।